हेलो जय माता दी। तो आज बनाते हम बीन्स की सब्जी। और ये काट के रखे बीन्स, आलू, कढ़ाई में डाला है तेल और जीरा डाल दिया। तो जीरा को थोड़ा अच्छे से होने देगी, इसमें फिर डाल देगी प्याज। ये बीन्स काट के रखे हुए, टमाटर भी काट के रखे हैं, हरा धनिया है और लहसुन मिर्ची काट के रखा हुआ है जो कढ़ाई में डाल दिया। तो छोटा सा वीडियो बीन्स की सब्जी बना रही है। तो प्याज को अच्छे से भूनने देंगे। प्याज अच्छे से भून गया तो इसमें हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और फिर डाल देंगे टमाटर। ये नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से जितना चाहिए। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें डाल देंगे टमाटर। दो टमाटर काट के रखे थे, छिलके निकाल करके, और अभी इसको थोड़ी देर पका देंगे अच्छे से। तो ये बीन्स, ये टमाटर अच्छे से पके हैं और ये भी इसमें एक आलू डाला था तो थोड़ा सा पानी में रखा था, ये आलू डाल देगी इसमें। और अब डाल देगी इसमें बीन्स जो काट के धो के रखे हुए, और ये भी डाल देगी इसमें और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जो सारा मसाला इसमें मिक्स हो जाए सब्जी में। तो ये मिक्स कर दिए और थोड़ा हरा धनिया पहले डाल देंगे सब्जी में, कुछ बाद में डाल देंगे। तो हरा धनिया सब्जी में अच्छा लगता है, पकाने में भी डाल सकते हो, ऐसे बाद में गार्निश के लिए भी डाल सकते हो। तो ये अच्छे से मिक्स कर दिए, अभी इसको हम ढक करके पकाएंगे। तो अभी इसको 15 मिनट के लिए धीमी आंच में रख देंगे और पकने देंगे। ये हमारी सब्जी हो गई होगी तैयारी। ये मैं आवाज़ ऊपर से डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि चिमनी लगी है तो उसमें बहुत शोर आता है जब उसी टाइम उसमें डालते हैं। तो ये सब्जी पक गई है और इसमें डाल देंगे हरा धनिया और फिर बनाएंगे रोटी। रोटी के साथ खाएंगे सब्जी। तो इस तरह बनाए बीन्स की सब्जी और बहुत स्वादिष्ट बनती है और अच्छी लगती है रोटी के साथ खाने के लिए। तुम्हारी दाल बनी थी और थोड़ी सब्जी बना देंगे, इसको रखते के ढक के और हम बनाते हैं रोटी।
बन ये रोटी इधर साथ साथ में खाने को दे देंगे, गर्मा गर्म रोटी सब्जी, और हमारा डिनर भी हो गया है तैयार। और छोटा सा वीडियो था आज का, अच्छा लगे आप लोगों तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय माता दी।